इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड के एमडी विकास धारवाल से छोटे व्यवसायियों के बिल माफ करने संबंधी चर्चा की। चर्चा में इंदौर के सभी छोटे और बड़े व्यवसायियों के बिजली के बिल माफ़ करने की मांग की गई है। बताया गया कि इन सभी छोटे व्यवसायियों के बिल माफ़ किए जाएं, अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस टीम तत्काल पहुंचकर बिल माफ़ करवाएगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी आम जनता का बिजली का बिल नहीं काटे। दूसरा, जितने भी उद्योग अभी इंदौर शहर में चल रहे हैं, आपने एक मिनिमम बिल आप भेजते हैं। मिनिमम बिल क्यों भेजा आपने, जब 2-3 माह से उनके सब फैक्ट्रियाँ बंद है। आज उद्योग चौपट हो गए हैं, बिजली का बिल भर नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आप सारे लोग मेरे साथ चलें, मैं आपको ले जाता हूँ। मैं खुद होके आया हूँ। आज ये स्थिति है कि कम से कम 40-50% फैक्ट्रियाँ बंद होने के कारण आगे आज सुबह प्रातः शहर कांग्रेस कमेटी के ने आज मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के एमडी विकास धारवाल से जाकर एक प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने मांग करी है कि इस लॉकडाउन में जो आम जनता, गरीब जनता, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उद्योग, इनसे किसी से भी बिजली का बिल नहीं लिया जाए। अगर आपने किसी के बिजली का बिल के लिए जाती करी और किसी के बिजली बिल का, किसी भी आम जनता या गरीब जनता का बिल काटने का प्रयास किया, कांग्रेस का कार्यकर्ता तत्काल वहां पर पहुंचकर और वो बिजली नहीं कटने देगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये शिवराज सिंह चौहान 3 माह पूर्व कहता था कि अगर किसी ने बिजली के बिल भरे तो शिवराज सिंह चौहान तत्काल वहां पहुंचेगा। और आज वही शिवराज सिंह चौहान उन गरीब जनता, आम जनता, छोटे छोटे व्यापारी, उद्योग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनको बिल भेज रहे हैं और उन पर जाति करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ खड़ी हुई है। कोई भी बिजली का बिल नहीं भरे और अगर कोई आपको कोई दिक्कत आए, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर जरूर अतिशीघ्र भेजेंगे, उस पर आपको मैसेज करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।